अच्छा भाई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीडीएम का आपने देखा जलसा जिस तरह हुआ, आपने भी कहा कि वो फ्लॉप शो था, उसके बाद अब लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है, रिजाइन का भी आपसे मुतालबा किया है, आपने भी धरना दिया था और आखिर पे मुजाकरात ही करने पड़े, मुजाकरात की टेबल पे ही आए आप, आपका मुतालबा कुछ और तरह का था, इनके मुतालबात आपकी समझ में, इनके क्या मुतालबात हैं और इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं, और दूसरा आप ग्राउंड आपके लिए अगर ये क्लियर है तो आप शिफ्ट किस पे करेंगे, डेवलपमेंट होगी अगले दो साल या कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और किसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये जब सारे इकट्ठे हो गए, मुझे तो पहले पता था, मेरी आप पहली तकरीर सुन लें, मेरी जो पहली तकरीर थी 2.25 साल पहले, जब पहली मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने कहा दो चीजें की, मैंने कहा सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब हम करप्शन के ऊपर हाथ डालेंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और मैंने कहा कि ये सारे कभी झुमरियत की बात करेंगे, वो मेरी तकरीर अवेलेबल है, वो कभी चलाएं लोगों के सामने, तो वही एपीडीएम डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई, वो मैंने कहा था, और मैंने फिर ये कहा था कि इनके जो मुफादात हैं वो पाकिस्तान के मुफादात के मुतजाद हैं, ये ऑपोजिट है, ये जो चाह रहे हैं वो जब अगर हम वो कर दें, यानी कि इन चोरों को, इनकी हम चोरी जो कि पहले बने हुए केसेस हैं, हमने केसेस नहीं बनाए, इन सब के केसेस पहले के बने हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि हम नैब को खत्म करके इनके केसेस खत्म कर दें, ये चाह रहे हैं, अगर हम वो करते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि ये पाकिस्तान के जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं इनका क्या कसूर है, उनकी तो लाखों की चोरियां हैं, इनकी अरबों रुपए की चोरी और मुल्क से बाहर ले गए पैसा, तो उन बेचारे लोगों को उनका फिर क्या कसूर है कि वो जेलों में गल सड़ रहे हैं, कई बेचारे जेलों में ही मर जाते हैं, उनकी तारीख ही नहीं लगती तब तक मर जाते हैं, गरीब लोग हैं ना सिर्फ, ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की, मुझे पहले पता था इन्होंने कोशिश कर ली है, मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, जो भी स्ट्रेटजी इनकी है कभी कामयाब नहीं होगी, मुझे कभी कभी, मैंने तो उनको मुल्तान में भी इनको कहा था कि इनको ना, इनको करने दो जो करना चाहते हैं, हमें सिर्फ लेकिन लोगों की जान और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब कोविड से आज 100 से ऊपर लोग मर गए, अब हम सबको पता है कि जब लोग जमा होते हैं बीमारी फैल जाती है, सारी दुनिया को पता है, हम उनको कह रहे हैं, मेरा तो सिर्फ मकसद लोगों को बचाना था, अगर इनके जलसे ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा इन सारे 10 से क्यों होगा, क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा, मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो, या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हो, ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें, कभी कौम लोगों के, वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ गए जाके, वहां लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ, लोग बेवकूफ हैं, देखें जो इंसान समझता है ना कि आवाम बेवकूफ है, उससे बड़ा बेवकूफ है ही कोई नहीं। इलेक्शन के हवाले से कल कैबिनेट में भी आपने एक डिसीजन लिया कि मार्च के बजाय से फरवरी में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, और साथ जो कैबिनेट का एलामिया है उसमें यह भी था कि तमाम सियासी जमातों के लिए मुजाकरात के रास्ते हम उसे करेंगे शो ऑफ हैंड के लिए, तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आईनी तरमीम दरकार होती है, कोई सदारती रेफरेंस इसमें करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, दो चीजें हमने फैसला किया, एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये जो सेनेट से बेचारे इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो तो वो तो फेल हो जाना है, इन्होंने वैसे हमने एक आपको पता है कप्तान तो मैं पुराना, इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूं, तो इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे, लेकिन जो दूसरी चीज है, देखिए पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है, हमने 20 लोग पिछली बार निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं, हमारे ख्याल में हमारे अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे, ये हो सकता है कि आईन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क में सबको जब पता है कि रिश्वत चलती है सेनेट इलेक्शन में, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, जो जिसके ज्यादा वोट्स हैं वो जीते, हालांकि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए आसान होता है, हम आराम से अगर हम चाहें, इसलिए तो किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने किया नहीं है, हम चाहें तो हम ज्यादा अपनी
जितने हमारे मेंबर से ज्यादा हम सेनेटर्स बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर ज्यादा है। लेकिन मुल्क के लिए बुरा है कि रिश्वत चलती है और वो लोग सेनेट में पैसे देके आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स पे। खान से में कहा गया कि अब मुजाकरात का वक्त गुजर चुका है, आपसे मुजाकरात कर नहीं रहे, ये किससे करना चाहते हैं मुजाकरात? मैंने तो सबसे पहले इनको कहा कि हम रुके, हमने कब कहा कि नहीं करते मुजाकरात? नेशनल डायलॉग की पेशकश को वो समझ रहे हैं? नहीं, हमने कब कहा? देखे, पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। मैंने तो सिर्फ एक चीज कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से एनआरओ ना मांगे, और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। हमें इन्होंने इतनी बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें, 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें और कहते हैं एनआरओ नहीं मांगा। कोई दरमियानी रास्ता मार्च से किस हद तक खतरा है? आपका कंटेनर बहुत ज्यादा मशहूर था, क्या अपोजिशन को कंटेनर देंगे या लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा? आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको आपकी गवर्नमेंट पिछला दौर भी था, आज हमने दौरा किया अस्पतालों का, हमने देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड से लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, तो अब आपका क्या प्लान है कि ये जो हेल्थ कार्ड है और स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ आपकी ज़ाहिर प्रायोरिटी भी है, तो इसमें फ्यूचर का क्या आपके प्लान है? देखिए, हेल्थ कार्ड के दो मैं आपको फायदे बताऊं। सबसे पहले तो एक गरीब घराने के अंदर जब बीमारी आती है ना, तो सारी दुनिया की रिसर्च ये बताती है कि वो घराना सारा ही गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। सफेदपोश लोग भी होते हैं, उनके घर में कई दफा बीमारी आती है तो उनके भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मुकरूज हो जाते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड है, यानी एक हर घराने को पख्तूनख्वा के अंदर अगले 6 महीने में सारे जितने भी पख्तूनख्वा के शहरी हैं उनको 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। मेरे ख्याल सबसे पहले तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, और वो जानते हैं जिन लोगों को के घरों में बीमारियां होती हैं और पैसे नहीं होते, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज। दूसरी, इसकी बड़ी फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान में इतने अस्पताल है ही नहीं जितने होने चाहिए, और गवर्नमेंट बना नहीं सकती इतने ज्यादा अस्पताल, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर को अब हम इनकरेज कर रहे हैं कि आके हॉस्पिटल्स बनाए। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये कि अगर कोई भी अस्पताल बनाना चाहे, हम उनकी मदद करेंगे। सबसे पहले कि उनको हम जमीन सस्ती देंगे, क्योंकि जमीनें बहुत महंगी हैं, अब तो वो बना नहीं सकते। नंबर टू, सारी भी जो चीजें वो इम्पोर्ट करेंगे बाहर से जो पाकिस्तान में नहीं बनती, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, वो ड्यूटी फ्री होगी। और नंबर तीन, हेल्थ कार्ड की वजह से वो कहीं भी अब हर कोई अस्पताल जा सकता है, पैसे दे सकता है हेल्थ कार्ड की वजह से। इसका मतलब जिधर छोटे छोटे शहरों में हॉस्पिटल नहीं होते थे प्राइवेट हॉस्पिटल, अब प्राइवेट हॉस्पिटल का जाल फैल जाएगा पाकिस्तान में, तो हमारा एक पूरा हेल्थ सिस्टम का के अंदर ये इनकलाब है।